लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। How are you, doctor? Good morning, Good morning. This is Dr. Jyoti Verma, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। नमस्ते डॉक्टर, आप ज्योति को मेरे हॉस्पिटल में ले आए, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन्हें हमारे यहाँ काम सीखने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज और आजादी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हॉस्पिटल से आगे बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी के साथ काम करने का मौका मिला और स्टाफ के लोग जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छा हॉस्पिटल है। लेटेस्ट मशीन्स हैं और वहाँ का ऑपरेशन थिएटर तो बहुत ही अच्छा है। तू तो बहुत खुश है, लेकिन मुझे अफसोस है। क्यों? इतने दिन इंग्लैंड में रही, अब तू हॉस्पिटल में रहा करेगी, मुझे फिर अकेला रहना पड़ेगा। बेटा होता तो कहता जल्दी से बहू ले आ। तू है बेटी और वो भी डॉक्टर, अब तो कोई डॉक्टर ही आएगा इस घर में। इसके बारे में भी कुछ सोचा है तूने? पिताजी बिटिया, साहब दिन में ऑफिस में गए थे ना, तो प्रकाश बाबू के 4-5 फोन आए थे। अच्छा अच्छा, एक कप गरम गरम चाय हो जाए तुलसी काका। अभी लाए बिटिया। ज्योति, फोन के पास ही बैठे थे क्या? जी हाँ, सुबह से बैठा हूँ, आज शाम को मिलने वाले थे ना। लेकिन आज से मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है ना, इसलिए सुबह शाम वहीं रहना पड़ेगा। तो फिर हम मिलेंगे कब मेम साहब? सिर्फ संडे को मिल सकते हैं। संडे? आज का दिन है। फ्राइडे? फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैं संडे तक जिंदा रहूंगा। प्लीज प्रकाश। व्हाट प्लीज? नो प्लीज। हेलो, डॉक्टर अभी अभी एक नया पेशेंट आया है, बहुत सीरियस केस है, मैंने उसे इमरजेंसी रूम में रखा है। अच्छा, तुम इनकी आंखों में दवा डाल दो। ओ मर गया, मर गया। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आओ। ओ डॉक्टर, ओ ये क्या पागल, डॉक्टर डॉक्टर मानदा हो गया प्यार। चुप करो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं सचमुच अंधा हो गया तो तुम्हारे सामने करूँ। क्या कह रहे हो डॉक्टर? आपको बड़े डॉक्टर साहब ने बुलाया। डॉक्टर कौन है? वार्ड बॉय। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा, गया क्या? हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। एक शर्त पे जाऊंगा। वो क्या? शाम को तुम मेरे घर आओ। प्रॉमिस नहीं करती, यहाँ बहुत काम है, मुझे देर भी हो सकती है। तो मुझे भी देर हो सकती है, जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहीं पे पड़ा रहूंगा। प्रकाश, कभी ज्योति से अलग रह सकता? प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा, आऊंगी आऊंगी। थैंक यू, यू आर स्वीट, बाय, मस्ट से। देख रहे हो? सनसेट। मैं समझी तुम मुझे देख रहे हो। हाँ, दोनों का मुकाबला कर रहा हूँ। सूरज डूब रहा है, खूबसूरत लड़की सामने खड़ी। कुछ कमी है। क्या कमी? हाँ, एक सफेद सी साड़ी हो, सर पे पल्लू, गले में मोतियों की माला, माथे पे लाल सी बिंदिया, जो सूरज के सिंदूरी रंग को चैलेंज दे। जानते हो क्या हो जाए? एक खूबसूरत सी पेंटिंग बन जाए। सुनने में तो कविता लगती है। है भी, एक ऐसी कविता जिसकी पहली लाइन तुम हो और दूसरी लाइन मैं हूं। हेलो, क्या कामनी जी रामगढ़ से वापस आ गई? मैं कामनी बोल रही हूँ, मैं अनु स्पीकिंग। बताने से या ना बताने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं,
मैं म्युनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट भी हो सकता हूँ। मिस्टर राजन, मैं आपकी आवाज पहचान गई। कहो क्या बात है? बात बड़ी गंभीर है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इन शॉर्ट हैंड, प्यार की मार्केट आजकल बहुत फ्लक्चुएटिंग हो रही है। आपका डार्लिंग प्लेबॉय प्रकाश लखपति सेठ श्यामलाल वर्मा की इकलौती बेटी ज्योति के साथ डे नाइट रोमांस कर रहा है हेल में। नॉनसेंस। सेंस की बात आप पकड़ लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। जय हिंद। ज्योति, कहाँ है? साहब घर में नहीं है। घर में नहीं है या अकेले नहीं है? चलो। हाय प्लेबॉय। शाम के वक्त घर में और वो भी अकेले। कोई आने वाला है? कोई आने वाला नहीं तो बस आज पेंटिंग बनाने का मूड आ गया। मॉडल की कमी थी, मैं आ गई। ये क्या कर रही हूँ? You're drunk on me। नहीं यार, only 3 straight on the rocks। चलो मैं तुम्हें होटल तक छोड़ा। डार्लिंग, तुम मुझे भगा रहे हो? तुम अभी जाओ, कल मिलते हैं। That means you don't love me. Oh, come on, Kanne. That means तुम किसी और को चाहते हो। कहीं उसका नाम ज्योति तो नहीं है? तुमको किसने बताया? किसी ने भी। ये बताओ, वो सच है या झूठ? तुम जान के क्या करोगी? मैं उसे जान से मार दूंगी। ओ प्रकाश, प्रकाश तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। ज्योति, ज्योति, ज्योति ठहरो, तुम्हें असलियत नहीं मालूम है। ज्योति मैं सच बोल रहा हूँ। आंखों से देखा, कानों से सुना, असलियत समझ में आ गई। अगर हो सके तो फिर किसी के दिल से मत खेलिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। भगवान हमेशा भला नहीं करता माई, कभी कभी धोखा भी दे जाता है। तुमने मुझे मारा? तुम्हारा नशा उतारने के लिए, ताकि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ तुम उसे होश में सुन सको। मत मारो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जैसी शराबी आवारा गर्द और बिगड़ी हुई लड़की से सिर्फ वही आदमी प्यार कर सकता जो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता ना था, ना है, ना कभी रहेगा। गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट, गेट आउट। ज्योति जी, नहीं मैं कमल हूं, आप आइंदा यहां फोन मत कीजिएगा। समझ में नहीं आता तुम रो क्यों रही हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो किस तरह का आदमी है। अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया, बेहतर है तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ। ज्योति उठो, ज्योति उठो ना, ज्योति। Thank you.
प्रकाश बाबू का नौकर ये चिट्ठी लेकर आया है और जवाब मांगा है। कह देना यही जवाब है। From Prakash to Jyoti. वापस आ गए तोहफा। तुम वापस क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था आने के लिए। क्या था ना? उस दिन मैं नशे में थी, आज होश और हवास में आई हूँ। किस लिए? दो वजह है। पहले तो ये कि मैं जानना चाहती हूँ जिस लड़के के पीछे तुम दीवाने हो उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं है। ज्योति और तुम में इतना ही फर्क है कामनी, जितना कि उजाले और अंधेरे में होता है। वो उजाला है, तुम अंधेरा हो। प्रकाश, दूसरी वजह क्या थी तुम्हारे यहाँ आने की? तुम्हारी मासूमियत। तुमने अभी तक पहचाना नहीं मुझे। मुझे जो अच्छा लगता है उसे हासिल करके रहती हूँ। काश तुम मेरी स्टेट में होते तो तुम्हारे पैरों में जंजीर होती और तुम मेरे पलंग से बंधे हुए होते। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारी आवाज, इन बातों ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। ये तो मैं जब चाहे खरीद सकती हूँ। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया? मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक है। जानवर जितना खतरनाक हो, जितना चालाक हो, उसे मारने में ज्यादा मजा आता है। और कुछ कहना चाहती हो तुम? और जब खेलते खेलते थक जाती हूँ तो जानवर को मार के उसका सर अपने बेडरूम में लगवा लेती हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ राजकुमारी जी। इजाजत है। You are a bloody bitch. इन्हीं अदाओं पे तो मरती हूँ। मजा आएगा शिकार में। वैसे भी आज मैं अपनी स्टेट में वापस जा रही हूँ। आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम अपने भगवान से प्रार्थना करना कि आइंदा कभी मेरी नजरों के सामने ना आओ। तुम जा सकती हो। Come on, Chubby. ज्योति, कमल, ज्योति जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, पिकनिक पर चलना है। और आज तो तुम्हारी छुट्टी भी है। नहीं कमल, मेरा कहीं आने जाने को मन नहीं करता। तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो मैंने प्रोग्राम बनाया है। तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। जिद मत करो कमल, मैं नहीं आ सकती। तो क्या अभी तुम उसे चाहती हो? मालूम नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कमल। ऐसा लगता है जैसे एक सपना देखा था। बुरा सपना जिसे याद नहीं करना चाहिए। तुम अपने आप को क्यों जला रही हो? अब तक तो वो तुम्हें भूल भी गया होगा। हेलो प्रकाश, कुछ देर पहले तुमने मुझे ऑफिस से फोन किया था क्या? हाँ, तुम फौरन चले आओ। क्या कोई बहुत जरूरी काम है? हाँ, अगर देर हो गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। प्रकाश, क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी आ रही हूँ। ये तुमने क्या किया पागल? मुझे इतना तो समझ नहीं देते तुम अच्छे हो या बुरे।
तो बता दो मैं अच्छा हूँ या बुरा। तुम जिंदा हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे ज्योति है तो प्रकाश अमर है, प्रकाश ज्योति पर मरता है। बंद करो। सॉरी। इसे कहते हैं प्रेम, मुर्दे में जान डाल दी। चक्कर तो तू भी खा गया था यार। लेकिन ये हुलिया क्या बना रखा है? मेकअप किया। हाँ मखा बुलाया मुझे, मामला आप दोनों का और मेरे ऑफिस का वक्त बर्बाद हुआ। यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी उसका कुछ नहीं। मैं तुम्हें खास करके इसलिए बुलाया कि इनको बताओ कामनी देवी चीज क्या है। वो शराबी किसी के भी गले पड़ने वाली आवारा लड़की। आपने सोचा कैसे कि प्रकाश का कामनी जैसी लड़की से कोई संबंध हो सकता है? क्लीन सर्टिफिकेट। ओके प्रकाश मैं चलता हूँ। ओके मैं भी जाता हूँ। ये तो बताओ क्या सोचा मेरे बारे में? तुम बुरे हो, बुरे हो, बहुत बुरे हो। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। हमारी गलती हो गया डॉक्टर साहब, हमको माफ कीजिए। नहीं माफ करते जो। लाला जी आर्ट के इन नमूनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैया वल्गर। अब आप ही सोचिए ऐसी तस्वीरें बनाने वाला खुद कैसा होगा? आदमी के काम से उसके करेक्टर का पता चलता है। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है। ज्योति जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की का ऐसे बदमाश आदमी के साथ घूमना फिरना बहुत बुरी बात है। क्या बकते हो? मैं बकता नहीं, अपनी आंखों से देखकर आया। मैं नहीं मानता। आप शायद तब मानेंगे जब ज्योति की भी ऐसी ही तस्वीर आपके सामने होगी। राजन! कौन है वो? यूं तो आप भी जानते हैं लाला जी, वही जिसने पार्टी में गाना गाया था। प्रकाश? जी हाँ प्रकाश, बदमाश लफंगा। कहाँ रहता हूँ? मकान तो मैंने पहले ही देख रखा है, आपको भी दिखा देता हूँ, आगे आप जानिए। चलो अभी चलो, फौरन चलिए, फौरन चलिए। नमस्ते लाला जी, कैसे आना हुआ? देखो मेरी एक ही बेटी है और मैं नहीं चाहता कि उसका मेल जोल किसी गलत आदमी से हो। आप बैठे तो सही। नहीं मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि ज्योति की तुम्हारी कितनी जान पहचान है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये नामुमकिन। आज से तुम ज्योति को हमेशा के लिए भूल जाओ। अच्छा ये होगा कि आप ज्योति से कहिए वो मुझे भूल जाए। मैं जानता था तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। ब्लैकमेल? लड़कियां भोली होती हैं, तुम जैसे आदमी की बातों में आकर अक्सर उन्हें गलतफहमी हो जाती है जिसे वो प्यार समझती हैं और तुम लोग इस कमजोरी से फायदा उठाते हो। लाला जी अगर आप जो चुप रहो, मैं बिजनेसमैन हूं। आइंदा मेरी बेटी से न मिलने के लिए तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मैंने साइन कर दिया है, फिर अब तुम भर दो। आप सौदा करना चाहते? नहीं मैं अपनी बेटी को बर्बादी से बचाना चाहता हूँ। लाला जी आप सेठ गोविंद राम को जानते हैं? और नहीं जानता। क्या कहना चाहते हो? अगर आप सौदा ही करना चाहते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करने की इजाजत खरीदना चाहता हूँ। मैं उनका बेटा हूं। मैंने साइन कर दिया है, फिगर भर दिया। प्रकाश आप भी मेरे पिताजी जैसे हैं, हर चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में नहीं खरीदी जा सकती हैं। लाला जी तुम बदतमीज हो, आवारा हो। लाला जी आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको एक्साइट नहीं होना चाहिए, घर जाइए आराम कीजिए। लाला जी आपकी चेकबुक। तुम्हारी बेटी ने कमाल कर दिया लाला, आज मैं उसके अस्पताल गया था, अरे जो भी मिला उसकी तारीफ कर रहा था बस। अच्छा हुआ राम प्रसाद तुम आ गए, तुम मेरी बेटी की तारीफ सुनकर आया और आज मैं एक नया सबक सीख के आया। मतलब? यही कि एक लड़की इंग्लैंड से डॉक्टर बन के आने के बाद ही बेवकूफ बन सकती है। बात क्या है लाला? एक लड़का है प्रकाश, लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें बनाता है। ज्योति को से जान पहचान है, कितनी है मुझे पता नहीं। पिताजी मैं आपको खुद ही बताने वाली। मैं खुद उससे मिल चुका हूं। आप? हाँ, और आज से तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। लेकिन पिताजी प्रकाश के बारे में तो। लाला जी ठीक कहते हैं बेटी, ये तुम्हारे पिता हैं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, भले बुरे की पहचान तुमसे ज्यादा कर सकते हैं। प्रकाश को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उसे जानते हो? हाँ, अगर उसका असली रूप देखना है तो इसी वक्त मेरे साथ चलिए। तो चलो इसी वक्त, मैं चाहता हूँ ज्योति की आंखें खुल जाए। लाला
ये किस जगह ले आए? लाला आओ तो सही। चंपा की माँ कैसी हो? पहले से कुछ हालत सुधरी है? हाँ डॉक्टर चाचा, अब तो मैं ठीक हूँ। बच्चे स्कूल भी जाने लगे और महीने के 4 पैसे भी बचने लगे। अच्छा अच्छा, बैठो काम करो। डॉक्टर लाला पहले आगे तो चलो, आओ। अरे ये स्कूटर कहाँ से लाया? भैया ने दिया मुझे, क्लास में पहला नंबर आया हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ भैया कहाँ है? भैया भगवान को ये प्रसाद चढ़ा दो। तूने ये डोना नीचे क्यों रख दिया? हाँ? क्योंकि मैं हरिजन हूँ। बैठो। इसका मतलब मेरा इस बस्ती में आना तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी इस दुनिया के इंसान एक हैं, इस दुनिया के भगवान एक हैं, तुम लोगों की आंखों से पर्दा कब हटेगा? हाँ? ये लो, अब तुम अपने हाथों से मुझे प्रसाद खिलाओ। डॉक्टर चाचा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी भी जान पहचान वालों को यहाँ नहीं लाएंगे। ये जान पहचान वाले नहीं बेटा, तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार हैं, तुम्हारी होने वाली पत्नी और परम पूज्य ससुर जी। क्यों लाला, अब तो लड़का पसंद है? अब और शर्मिंदा मत करो बेटा, कर सको तो मुझे माफ करो। ये क्या कह रहे हैं आप, बड़े हमेशा छोटों को माफ करते हैं और छोटे हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। बेटी अब कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पिताजी की आंखें खुल गई।